आज हम लिबरलाइजेशन को पढ़ेंगे कि लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है भाई, बता दो जरा। लास्ट उसमें हमने डिस्कस किया था, इजी कर देना, लिबरल कर देना मतलब इजी कर देना। इजी क्या करेंगे, जो हमने सेकेंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि हमने अपनी इंडस्ट्रीज पे, प्राइवेट प्लेयर्स पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, लाइसेंसिंग, कोटा, टैरिफ, ये सारी जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, उनको लिबरल करना है। ठीक है, उनको इजी करना है, उनको स्मूथ करना है, जिससे कि वर्ल्ड वाइड हम अपनी इकोनॉमी को ओपन कर सके और हमारा डेवलपमेंट हो पाए। ठीक है, तो अब इसको हमने अलग अलग फेजेस के अंदर लिबरलाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, मेनली यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स के अंदर लिबरलाइजेशन हुआ है, नॉर्म्स को लिबरल किया गया है। तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं, सबसे पहले तो इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर हमने क्या क्या चेंजेस किए, क्या करना है, ठीक है, कैसे हम अपने इंडस्ट्री को स्मूथ बना सकते हैं, फंक्शनिंग स्मूथ बना सकते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्री में हमने क्या लिबरलाइज किया, कौन कौन से नॉर्म्स लिबरलाइज किए। देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा कि हमने फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, क्या क्या चेंजेस किए। राइट, आप फाइनेंशियल सेक्टर में हमारे क्या क्या चीजें आएंगी और उनको कैसे हमने लिबरलाइज किया वो हम पढ़ेंगे। देन हमने टैक्स पॉलिसीज के अंदर कुछ चेंजेस किए, टैक्स रूल्स रेगुलेशन जो हमारे लिबरलाइज किया। देन और उसके अलावा हमारे पास दो सेक्टर और हैं, कौन कौन से, फॉरेन एक्सचेंज और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज के अंदर हमने कुछ चेंजेस किया और ट्रेड एंड एक्सचेंज, हमारे पास यहाँ पे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के अंदर कुछ कुछ चेंज किए। राइट, तो ये कुछ पॉलिसीज जो हमने अभी तक रिस्ट्रिक्ट करके रखी हुई थी, उनको सबको इस तरह से इन पांच सेक्टर्स के अंदर हमने रूल रेगुलेशंस को लूज कर दिया, रिलैक्स कर दिया। जो बहुत ज्यादा स्टिफनेस हमारे रूल्स के अंदर थी कि हम किसी के साथ बिजनेस नहीं करेंगे, कोई हमारे यहाँ नहीं बिजनेस करेगा, हम अपनी इकोनॉमी को इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी से डेवलप कर लेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, उन सारे रूल रेगुलेशंस को अब यहाँ पे ढीला कर दिया गया, उनको अब लूज कर दिया गया। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन का मीनिंग ही यही है कि चीजों को, रूल रेगुलेशंस को मीन्स स्मूथ कर देना। राइट, तो अब इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर बता दो जरा कि क्या क्या हमें रिलैक्स करने की जरूरत थी। सबसे पहले तो जो हमने प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी लाइसेंसिंग की, कि हर चीज के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो लाइसेंसिंग हमने रिमूव कर दिया, लाइसेंसिंग रिमूव कर दिया गया। अब रिमूव कहां से करेंगे, हर जगह से तो हम रिमूव नहीं कर सकते, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी प्रोडक्ट अभी भी हैं, जैसे कि आपका जो आर्म्स एंड एम्युनिशन, जो गन्स वगैरह बनाती है कंपनीज, ठीक है, जो केमिकल रिलेटेड है जैसे कि फूड, अगर वहां पे लाइसेंस नहीं रखेंगे, गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन नहीं रखेंगे, तो वो कुछ भी बना के बेचेंगी और पब्लिक की हेल्थ के साथ खिलवाड़ होगा। कई बार आपने पहले, एक बार आया था मैगी के अंदर भी कुछ ऐसा एलिमेंट आया था जो आपका इंटरनल बॉडी को हार्म कर रहा था। ठीक है, जो भी था एक्स वाई जेड, हम उसको स्पेसिफिकली नहीं यहाँ पे करेंगे। कई बार कोक और पेप्सी के बारे में रूमर हो जाती है चीजें, तो उनके अंदर इस तरह का कंटेंट, सोचो लाइसेंसिंग होते होते, तो फूड इंडस्ट्री हो गया, आर्म्स एंड एम्युनिशन हो गया, कुछ ऐसी जो भी आपकी केमिकल से रिलेटेड चीजें हैं, उनपे गवर्नमेंट का अभी भी रिस्ट्रिक्शन है, उन कंपनीज को अभी भी गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है तभी जाके। जैसे कि आपकी सिंपल केमिस्ट्री शॉप हो गई, क्या वो बिना डिग्री के, बिना उसके कोई भी केमिस्ट्री शॉप खोल के बैठ सकता है? नहीं, उसे बी फार्मा का एक लाइसेंस चाहिए होता है, बी फार्मा की डिग्री चाहिए होती है, उसके बेस पे वो होती है। ठीक है, तो वो जो अभी भी हमारी कंट्री को, हमारी सोसाइटी को हार्म कर सकते हैं, उसमें तो लाइसेंसिंग अभी तक भी है। उसके अलावा जो हमने हर चीज पे लाइसेंसिंग लगा रखी थी कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, हर चीज पे, उसकी अब हमारी जरूरत नहीं है, उसको हमने रिलैक्स कर दिया कि आप बिजनेस करो, आप बिजनेस से खुद भी अर्न करो, पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो, कंट्री को डेवलप करो, आप फ्री हैंड हो। समझ में आ गया? तो सबसे पहले जो हमें जरूरत थी अपनी इंडस्ट्री को रिलैक्स करने की, वो था कि सबसे पहले हमें लाइसेंस हटाना था, लाइसेंस की जो रिस्ट्रिक्शन प्राइवेट प्लेयर्स के उसमें डाली हुई थी उसको हटाना था। देन आपका
प्राइवेट जो हमारी पब्लिक सेक्टर था, पब्लिक सेक्टर का रोल जो था उसको हमने रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस मतलब हमारे पास क्या था, सिर्फ सरकारी कंपनीज थी, प्राइवेट कंपनीज कितनी थी, दो चार, उसमें भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, तो उनको हमने फ्री कर दिया। और प्राइवेट कंपनी जो थी, जो गवर्नमेंट ने पूरा बर्डन अपने सर पे ले रखा था ना, शिवजी बन रहे थे कि सारा जहर हम ही पी लेंगे, ठीक है, वो अब गवर्नमेंट ने सरेंडर कर दिया कि हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब हमें प्राइवेट प्लेयर्स को या कैपिटलिस्ट लोगों को भी थोड़ा मौका देना चाहिए। तो गवर्नमेंट रोल था, हर कंपनी जो सरकारी कंपनी खुल गई थी वो कंपनी अब खुल भी बंद हो गई, या फिर गवर्नमेंट ने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि अब बाकी लोगों को स्टार्ट कर, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे कुछ ऐसे साइज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो रिजर्वेशन हो गया था कि ये प्रोडक्ट सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बनाएगी, जैसे कि खादी, जैसे कि कॉटन, अभी भी फैब इंडिया करके और बहुत सारे खादी प्रोडक्ट्स आते हैं जहां पे एक ब्रांड बन गया है और लोग उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया, मतलब बड़ी इंडस्ट्रीज ने भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन पहले क्या था, ये सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व कर दी गई। क्यों रिजर्व की थी, इसकी क्या जरूरत पड़ी थी, वो हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था, राइट। तो अब यहाँ पे फिर से इनका डी रिजर्वेशन हो गया। डी रिजर्वेशन का मतलब क्या है, डी रिजर्वेशन का मीनिंग क्या है कि अब जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी ना कि इन प्रोडक्ट को सिर्फ ऐसे साइज बनाएंगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाएंगी, वो रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई। कोई भी बना लो भाई, कोई भी बना सकता है, ठीक है। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स को छोड़ के, जैसे हमने बोला टिश्यू पेपर्स वगैरह, वो तो अभी भी कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह होती है उन सबको, ठीक है, अभी भी एस एस आई ही बना रही है, प्रोडक्ट अभी भी एस एस आई बना रही है। कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ यही बना सकती है, कोई भी बना सकती है, बिग इंडस्ट्रीज भी अब इसको बना सकती, ठीक है जी। तो अगेन क्या हुआ है, रिलीज, वही तो है, जो आपकी स्टिफनेस थी उसको रिलीज किया गया, उसको रिलैक्स किया गया, ठीक है, नॉर्म्स को रिलैक्स किया गया है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मोनोपोली और रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे MRTP एक्ट, MRTP क्या होता है ये बता दो, MRTP मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। मोनोपोली का मीनिंग क्या होता है, 11th क्लास में तुमने पढ़ा है, जहां पे एक सिंगल सेलर होता है और डिमांड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो वो सिचुएशन हमारी क्या बोली जाती है, मोनोपोली सिचुएशन बोली जाती है, राइट। जैसे कि हम इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं वो लेते हैं पेट्रोल का, आज के टाइम में जो मोनोपोली चल रही है, क्योंकि वो एक कार्टल के पास ही है। गल्फ कंट्रीज ने पूरी 53-54 जो भी कंट्रीज हैं उन्होंने एक कार्टल बना लिया और वही कार्टल पूरा जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर सप्लाई करता है। तो पेट्रोल सिर्फ एक के पास है और डिमांड पूरे वर्ल्ड के अंदर है, तो वो अपने रेटों से खरीदता है, ठीक है। तो उस टाइम पे जब हम अपनी कंट्री की सिचुएशन पढ़ रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो उस टाइम पीरियड में हमारी मोनोपोली किसमें चल रही थी, रेलवे में चल रही थी। रेलवे एक अकेली इंडस्ट्री की जिसकी मोनोपोली चल रही थी, ठीक है। तो इस तरह की मोनोपोलीज को, या फिर हमने किसको, प्राइवेट प्लेयर्स को ओपन हैंड दिया ना, फ्री हैंड दिया है, तो वहां पे भी हमने एक साथ के साथ MRTP एक्ट बना दिया, जिससे कि अगर प्राइवेट प्लेयर अपनी मोनोपोली चलाने की कोशिश करेंगे, हमें डर यही तो था, हमने प्राइवेट प्लेयर्स को रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रखा था, इसीलिए कर रखा था कि ये अपनी मोनोपोली ना चलाने लगे, हमारी कंट्री को एक्सप्लॉइट ना करना शुरू कर दे, राइट। तो अब हमने उनको फ्री हैंड तो दे दिया, लेकिन साथ के साथ एक एक्ट भी बना दिया कि अगर इन्होंने मोनोपोली चलाने की कोशिश की तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग इनको जो है पनिशमेंट मिलेगा, समझ में आ गया। तो हर किसी को इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको बिजनेस करना है। यही एक्ट है जो आज भी फॉलो हो रहा है कि कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी का नेम, उसका ट्रेडमार्क, उसका स्पेसिफिक जो भी रेसिपी हो सकती है या स्ट्रेटेजी हो सकती है उसको कॉपी नहीं कर सकती, ये राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, समझ में आ गया इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस किए, MRTP एक्ट क्या है, ये किस ईयर के अंदर आया था और क्या है
मेनली ये एक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ था 2002 के अंदर, इनिशिएट पहले ही हो गया था लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हुए, इसलिए इसको 2002 का नाम दिया गया। चलिए अब फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं फाइनेंशियल सेक्टर को पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स हैं, फर्स्ट इज चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई। रोल ऑफ आरबीआई, भाई पहले क्या था, हर चीज सरकारी थी और उसमें मॉनेटरी टर्म्स पे कौन इन्वॉल्व होगा, कौन सी अथॉरिटी इन्वॉल्व होगी, हर जगह आरबीआई इंटरफेयर कर रही थी। लेकिन अब क्या किया है, पब्लिक सेक्टर के रोल को लिमिट कर दिया गया और आरबीआई का जो रोल था वो कम कर दिया गया कि अब हर जगह पे आरबीआई नहीं घुसेगी अपने रूल रेगुलेशंस को लेके, राइट। तो आरबीआई का अभी भी जो रिस्ट्रिक्शन है, जो फुल बोर्ड कंट्रोल है, वो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर है। बैंकिंग सेक्टर इतना सा भी वर्क जो है बिना आरबीआई की परमिशन से नहीं कर सकते, उन्हें उसकी लाइसेंसिंग या परमिशन जो भी है वो नहीं। लेकिन बाकी कोई भी इंडस्ट्रीज में अब आरबीआई का बहुत ज्यादा रोल नहीं रहा, ठीक है। तो आरबीआई के जो इंटरफेरेंस थी उसको हटा दिया गया एंड न्यू प्राइवेट बैंक्स का ओरिजिन होना स्टार्ट हो गया, प्राइवेट बैंक स्टार्ट हो गए बनने। इससे पहले कोई प्राइवेट बैंक नहीं था, पहले था एसबीआई, ठीक है, जो गवर्नमेंट बैंक है एसबीआई पूरे और उसमें पूरी कंट्री के अंदर फैला हुआ है, पता नहीं कितने थाउजेंड ब्रांचेस हैं उसमें, ठीक है। तो मेनली उस टाइम पे जो बैंक था सरकारी बैंक एसबीआई था, राइट। लेकिन अब इस पॉलिसी के बाद में प्राइवेट बैंक्स बनने शुरू हो गए, जिससे जिसको गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जैसे कि आपका आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है जी। देन एफडीआई की लिमिट बढ़ा दी गई। एफडीआई क्या होती है बताना जरा। हाँ जी, एफडीआई की लिमिट बढ़ा दी गई। एफडीआई होता क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं होता, एफडी होता है वो। एफडीआई की बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई फुल फॉर्म डिक्लोबेशन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स अब फॉरेन कंट्री से कोई भी हमारे यहाँ आके डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकता था, ठीक है, किसी जॉइंट वेंचर के साथ इन्वेस्ट कर सकता था, आके डायरेक्टली हमारे यहाँ कंपनी स्टार्ट कर सकता था, ठीक है। उनको फ्रीडम दे दी गई कि आप आओ अपने पैसा लेके आओ, अपनी करेंसी लेके आओ, पैसा हमारे यहाँ की करेंसी है, बाहर की करेंसी नहीं है, राइट। तो वहां अपनी करेंसी लेके आओ, यहाँ पे आके इन्वेस्ट करो, खुद भी प्रॉफिट कमाओ और हमें भी प्रॉफिट कमा के, समझ में आ गया। तो एफडीआई की लिमिट को बढ़ा दिया गया। देन आपके पास एक्सपेंशन प्रोसेस को इजी कर दिया गया। एक्सपेंशन प्रोसेस मतलब जैसे हमने लास्ट उसमें पढ़ा था कि कोई भी कंपनी है जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, पहले से कोई बिजनेस कर रही है, लेकिन अगर उसे अपना कोई प्रोडक्ट चेंज करना है तो भी उसे गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। तो अब ऐसा नहीं, अगर आप अपने बिजनेस की कोई दूसरी ब्रांच खोलना चाहते हो, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, कोई नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, तो आपकी जो लिमिटेशंस थी, आपकी जो रिस्ट्रिक्शंस थी, उन सबको समझ में आ गया, क्लियर। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है टैक्स। टैक्स के अंदर दो तरह के टैक्स जो है वो इनिशिएट कर दिए गए, वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, कंपनीज के ऊपर, पब्लिक के ऊपर। पब्लिक तो इस पोजीशन में बहुत ज्यादा नहीं थी कि वो टैक्स दे पाए, बट यस डायरेक्ट टैक्स कंपनीज के ऊपर इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है, जिससे कि आप जितना भी प्रॉफिट कमाओगे आपको फ्री हैंड दे रहे हैं ना, रिस्ट्रिक्शन हटा रहे हैं ना आपसे, ठीक है। एफडीआई फॉरेन से भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकता है ना। अब अगर आप हमारी कंट्री में आके हमारे रिसोर्सेज को यूज करके अपनी कंपनी चलाओगे तो गवर्नमेंट को भी तो कुछ चाहिए आपसे, टैक्स तो लेगी गवर्नमेंट, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का रोल स्टार्ट कर, डायरेक्ट टैक्स जितना भी प्रॉफिट आप कमा रहे हो उसका कुछ सर्टेन परसेंट अमाउंट आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा वाला होता है, जिसको आप रॉ मटेरियल की फॉर्म में खरीद रहे हो तो उसके ऊपर जीएसटी लग रही है ना, जिसको आज आप जीएसटी कहते हो, उस टाइम पे जीएसटी नहीं थे, उस टाइम पे मल्टीपल अदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे कि वेट था, जैसे कि एक्साइज था, बहुत सारे, ठीक है। तो उन सारे टैक्सेस को भी यहाँ पे डिफाइन किया गया कि आप जो भी सामान खरीदोगे या सर्विसेस खरीदोगे उस पर भी आपको टैक्स, या बेचोगे तो भी टैक्स देना पड़ेगा, क्लियर हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का जन्म हुआ, उसको इंट्रोड्यूस किया गया।
राइट अब यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स को रेशनलाइज कर दिया गया। रेशनलाइज का मतलब क्या है कि जो जितना प्रॉफिट कमाएगा उसके हिसाब से टैक्स देगा। ऐसा नहीं है कि सबके लिए फिक्स हो गया कि सब जो है हर साल 5 लाख का टैक्स देंगे, नहीं ऐसा जरूरी नहीं। आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो टैक्स दोगे, प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हो तो नहीं दोगे। प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर रहे हो तो ज्यादा टैक्स दोगे, कम अर्न कर रहे हो तो कम टैक्स दोगे। जैसे अभी भी है डिफरेंट स्लैब्स बनी हुई है कि अगर आप 5 लाख पर एनम तक अर्न कर रहे हो तो आप कोई टैक्स नहीं दोगे, ठीक है। आप 8 लाख तक अर्न कर रहे हो तो आपका जो है मतलब 7.5 लाख है इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, तो अगर आप 7.5 लाख तक अर्न कर रहे हो तो आपको 5% देना पड़ेगा। आप आगे 10 लाख तक अर्न कर रहे हो तो 10% देना पड़ेगा। इस तरह से जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। तो उसको रेशनलाइज कर दिया गया, हर किसी के लिए बर्डन नहीं बना टैक्स। आप ज्यादा कमा रहे हो तो ज्यादा टैक्स दोगे, कम कमा रहे हो तो कम टैक्स, नहीं प्रॉफिट अर्न कर नहीं। इस तरह से टैक्सेस को इनिशिएट कर दिया गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में। तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के अंदर हमने अपनी रूपी को सबसे पहले डी वैल्यू कर दिया। डी वैल्यू का मतलब क्या होता है? डी वैल्यूएशन ऑफ रूपी, ठीक है, रूपी। हाँ जी, रुपी को डी वैल्यू कर दिया गया। हम कई बार डिस्कशन करते हैं, जब भी हमने फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर माइक्रो के अंदर भी किया था तब भी डिस्कस किया था। तो जब या इस टाइम पे हमने, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट थी हमें डॉलर्स की इनफ्लो बढ़ाना था, ठीक है, सप्लाई बढ़ानी थी डॉलर्स की, तो हम बोल रहे हैं कि हम अपनी करेंसी को ना अपना डी वैल्यू करने को तैयार है। डी वैल्यू कितने पे किया था हमने उस टाइम पे? 17 रुपए, ठीक है, 17 रुपए 50 पैसे। तो 1991 में हमने, हमारी करेंसी इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी पहले, कितनी थी? ऑलमोस्ट हमारा जो था 7 रुपीज के अराउंड, 7 रुपीज या डॉलर के अराउंड हमारा चलता था। लेकिन 1991 में सीधे 10 रुपए हमने उसको फॉल कर दिया, डी वैल्यू कर दिया कि अब $1 अगर इन्वेस्ट करोगे तो अभी तक आपको बदले में कितने मिल रहे थे? 7 रुपए, लेकिन अब 17 मिलेंगे, 17.5 मिलेंगे। तभी तो कंपनी आएंगी, ये FDI का रोल तभी तो सक्सेसफुल होगा, तभी तो वो यहाँ आएंगी अच्छे रिटर्न। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने अपनी करेंसी को फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के अंदर हमने क्या किया, हमने अपने रूपी को डी वैल्यू कर दिया। क्लियर हो गया, 17.5 रुपीज में हमने डी वैल्यू कर दिया। देन मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, यहाँ पे हमने डी वैल्यू को कर दिया। और डी वैल्यू किसमें होता है? फिक्स एक्सचेंज रेट मेथड के अंदर। दो मेथड थे ना, तीन मेथड थे, कौन कौन से मेथड थे फॉरेन एक्सचेंज डिसाइड करने का? फिक्स के अंदर तो हमने डी वैल्यू किया, ठीक है, दूसरा फ्लक्चुएटिंग और तीसरा मैनेज। तो मैनेज तो डर्टी फ्लोटिंग होता है, मैनेज को हम स्पेसिफिकली रोल में तो रखते नहीं है, मेनली तो दो ही रहता है, या तो फिक्स या फिर फ्लोटिंग, ठीक है। तो अपनी करेंसी को हमने डी वैल्यू कर दिया, घटा दिया, डेप्रिशिएट कर दिया, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ हमने उसका मार्केट मीन्स मार्केट वो कर दिया, यहाँ पे मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट कर दिया। मार्केट डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है? मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट मतलब कि अब हमारी जो अभी तो हमने 17 फिक्स कर दिया, 17.5, लेकिन इसके बाद करेंसी जो है डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग, मार्केट डिटर्मिनेंट कौन है? डिमांड एंड सप्लाई, दो ही फैक्टर है मार्केट के। तो मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग इसमें अब आगे चेंज आएगा, फर्दर चेंज आएगा फ्लक्चुएशन मेथड से। डिमांड बढ़ेगी तो एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन चलता रहेगा, और उसी का रिजल्ट आज है कि हमारी करेंसी कहाँ चली गई है? 84। आज सुबह भी मैंने देखा था 84.05, मतलब 84 मान लीजिए 84 रुपीज और डॉलर, एक डॉलर के बदले 17 रुपए से डेप्रिशिएट होते होते 84 पे आ गई। तो कॉल आ रही है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज में क्या लिबरलाइज किया? ये लिबरलाइजेशन ही तो है। हमने अपने अपनी करेंसी को हटा दिया, हमने अपनी करेंसी को ओपन मार्केट में छोड़ दिया, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग ही अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट करेगी, राइट। नेक्स्ट दूसरा आपके पास आ गया, अब हम ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो हमने टैरिफ्स और कोटा लगा रखे थे, ट्रेड तो उसी से बढ़ेगा क्योंकि हमने तो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, महंगा कर रखा था,
अब हमने क्या कर दिया, हमने वो रिस्ट्रिक्शंस जो भी हमारे पास टैरिफ्स थे, ठीक है, टैरिफ एंड कोटा थे, उनको हमने रिमूव कर दिया, खत्म कर दिया भाई, हटा देते हैं हम कोटा को, हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कर रहे हैं। आपको दिख रहा है कि हमारे यहाँ आपके प्रोडक्ट की डिमांड है, भेजो सप्लाई, हमारी कंपनीज के अंदर कैपेसिटी होगी तो वो सर्वाइव कर जाएंगे कॉम्पिटिशन में, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अभी हमें रिक्वायरमेंट थी कि बाहर से भी हमारे पास यहाँ पे वो आए, एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोर्ट ड्यूटीज जितनी भी थी उन सबको हमने यहाँ से, जो भी एक्सपोर्ट ड्यूटी या फिर इम्पोर्ट ड्यूटी थी उन सबको हमने यहाँ से खत्म कर दिया भाई, बस खत्म, मतलब जहां रिक्वायरमेंट थी, जहां अभी भी जरूरत है वहां तो अभी भी रहे, राइट, अभी भी है, एक्सपोर्ट पे भी ड्यूटी लगती है, इम्पोर्ट पे तो हमेशा लगती ही लगती है, लेकिन उस टाइम पे हमने इसको मिनिमाइज कर दिया, बिल्कुल एक्सपोर्ट पे हमने ड्यूटी हटा दी, इम्पोर्ट पे हमने बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया कि जो भी आ रहा है ठीक है आए, जिससे कि हमारी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट हो पाए, और इम्पोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम हमने स्टार्ट कर दिया, मतलब कि रिलैक्सेशन कर दिया इम्पोर्ट लाइसेंसिंग। इम्पोर्ट लाइसेंसिंग का मतलब क्या है, इजी कर दिया, कोई भी सामान आपका ज्यादातर बनता है उसके अंदर रॉ मटेरियल कई बार बाहर से आता है, कोक पेप्सी यहाँ बन रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन उसका पल्प कहाँ से आ रहा है, यूएस, ठीक है, बिक रही है यहाँ पे कोने कोने में, छोटी से भी छोटा सा भी होगा ना, क्या बोलते हैं उसको, छोटा सा कोई ठेला होगा, छोटा सा कोई नुक्कड़ होगा, है ना, वहां पे भी कोक और पेप्सी अवेलेबल होंगी, होती है ना, कहीं से भी खरीद लो, मतलब कि कोने कोने में घुसी हुई है कोक पेप्सी, लेकिन इसका पल्प अभी भी यूएस से आता है, मेन कंपनी कहाँ की है, ये किल्ले, मेन कंपनी जो है ये कोको कोला आपकी यूएस की है, ठीक है, तो इसका जो कॉपीराइट, जो इसकी स्पेसिफिक रेसिपी है, जो इसका स्पेसिफिक कंटेंट है, जो रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज किया जाता है, वो अभी भी वहां से आता है। कई मशीनरीज हमारी ऐसी हैं जिनको, जिनका रॉ मटेरियल या फिर जिनका जो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है वो हमें बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ती है, तब हम उसको यहाँ मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिन पे हमने पहले रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, इम्पोर्ट लाइसेंसिंग को भी हमने इजी कर दिया, ठीक है, जब तक कि वो हमारी कंट्री को हार्म नहीं करेगा, कोई ऐसी चीज है जो हमारी कंट्री को हार्म कर सकती है उस पे तो रिस्ट्रिक्शन अभी भी है, ठीक है, और स्ट्रिक्ट है, लेकिन अगर कोई नॉर्मल बिजनेस है जिससे हमारी कंट्री को का डेवलपमेंट होना है, जिससे ओवरऑल हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन करेंसी का या फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो बढ़ना है, तो उस सबको हमने इजी कर दिया, तो दैट वॉज लिबरलाइजेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लिबरलाइजेशन होगा क्या है, लिबरलाइजेशन के फायदे क्या हुए, तो उसमें आप ये सारी चीजें अगर आप इस तरह से फ्लो चार्ट बना के वहां एक्सप्लेन करोगे, तो इसी फ्लो चार्ट के बेस पे ही आपको नंबर मिल जाएंगे, आगे आपकी कहानी को कोई नहीं पढ़ेगा, सिंपल यही सही, आपको इस तरह से अगर आप दिखा दोगे तो यही सही आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि चेक करने वाले को इतना समझ आ जाएगा कि अगर इसने ये लिखा है तो इस कहानी में भी इसने इसी के बारे में ही लिखा होगा, ठीक है। तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में अगेन पॉइंट होता है कि हम नंबर कैसे फेच करें, तो नंबर फेच करने का एक ही तरीका होता है कि उसको प्रॉपर तरीके से लिखा जाए, जहां पे टेबल की जरूरत है, जहां पे डेटा की जरूरत है, जहां पे ईयर्स की जरूरत है, यहाँ पे तो हर पॉइंट के अंदर एक पर्टिकुलर ईयर है ना, 1950 हुआ, 1921 हुआ, जो भी है, हर पॉइंट के साथ कुछ ना कुछ नंबर है, यहाँ पे लिबरलाइजेशन 1991, तो इस तरह से वहां पे नंबर्स भी डालो, टेबल की जरूरत है टेबल डालो, ग्राफ की जरूरत है ग्राफ डालो, कुछ नहीं है तो फ्लो चार्ट बना के ऐसे डालो, उससे लुक बदल जाता है आपके आंसर का, ठीक है, और उससे आपके ज्यादा मार्क्स आते, लेकिन बेटा ये फ्लो चार्ट भी तभी बनेगा जब ये पॉइंट आपको याद होगा, समझ आया, तो इसको अच्छे से लिखो और याद करो। हेलो बच्चों, होपफुली बहुत सारे डाउट्स इस क्लास से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्लियर हुए होंगे इस क्लास को देखने के बाद में, अगर रियली आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए हैं, आपको ये क्लास अच्छी लगी है, तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।